क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री काम करता हूँ। ये कह रहे महंगाई हो गई इतनी? कुछ भी महंगाई नहीं हुआ है, मजदूरी तो मिल रहा है महंगा। कितना मिल रहा है मजदूरी? मैं 800 लेता हूँ, मिस्त्री हूँ। ये कह रहे मैं तो फल बेचता था, अब तो कोई फल भी नहीं खरीद रहा मेरे से, पहले बढ़िया कमाता था 10 साल पहले। एक बात बोले? दो बोलो। पहले मैं बेलदारी कर रहे थे, अभी कारीगर है। अच्छा, तो दो पैसा तो फालतू कमा रहे हैं। अच्छा, बेलदारी से तो फालतू कमा रहे हैं। उस समय बेलदारी कर रहे थे। अच्छा, अभी कारीगरी कर रहे हैं। अच्छा, काम सीख लिया? हाँ, काम सीख लिए। तू मुसलमान, भगवान और अल्लाह तो एक ही है। इस बात को मैंने कहूँ, राम मंदिर बना, अच्छी बात है। वो कोर्ट के जरिए से बनाया, मोदी ने नहीं बनाया। अच्छा, कोर्ट से जीता तो राम मंदिर बना। अच्छा, कोई मोदी जी ने कोई बनाया कोर्ट से तो दो। हम भी तो यूँ करें, कोर्ट से बना, मोदी ने ना बनवाया। लेकिन जो कहे ना मोदी की वजह से बना, तो भाई 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार ही, कोर्ट ने तब क्यों ना बनवा दियो? तब भी तो कोर्ट सरकार भी, वकील भी वही है, जज भी है, तब भी तो बनवा सके। सही बात। महंगाई की कहते नहीं लोग, क्या महंगाई, हम मानते महंगाई है भाई, आपकी आमदनी ना बढ़ी। पहले आप 7,000 रुपए कमावे, अब 12,000 कमा रहे हैं, तो उसको क्यों ना जोड़ रहे उस चीज में? हर चीज कहते महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहाँ बढ़ गई? जितना आप कमा रहे हो उसी हिसाब से महंगाई है। बताओ आमदनी नहीं बढ़ी क्या आपकी? हमारी भाई फल का काम है अपना। तो 10 साल पहले कितना कमाओ थे? 10 साल पहले अच्छा कमा कर रहे, सही देख रहे। अब तो ठेली भी नहीं लगने देते रोड पे, फल बिकने बंद हो गए। अब रेडी नहीं लगने देते रोड पे, ठेली नहीं लगने देते भैया। तो लोगों ने फल खरीदने बंद कर दिया आपसे? कौन खाएंगे? घट गया वाले तो, वही वाले हिसाब है। खाने वाला तो रुकेगा थोड़ा, 1 रुपए का होगा, 100 रुपए का हो, किसके पास पैसा होगा वो खाएगा। आज की रेट में तो गए, नोटबंदी में गरीब आदमी मारा गया। अच्छा, कितने पैसे थे आपके पास? मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर आप कैसे मारे गए? मेरे पास गरीब आदमी बता रहा हूँ, गरीब आदमी पूछ रहा हूँ, गरीब के पास पैसा कितना था जो मारा? कमाना था, रोजीना का खाना था, कुआ खोद कर रोजीना का पानी पीता, उसको पता रहता है। रोजीना का कमाना, रोजीना का खाना किसका था? चलो और बताओ। लॉकडाउन में वो गरीब आदमी मरा, नोटबंदी में वो गरीब आदमी मरा, बताओ। राशन नहीं मिला है? राशन नहीं मिला? राशन मिला, सबने बांटा राशन, तो हिंदू भाइयों ने भी बांटा राशन, हिंदू भाइयों ने सब। तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने राशन दिया नहीं दिया? कोरोना दिया? हाँ दिया। आदमी कैसे मरा? लोग कौन का आदमी कैसे मरा? गाड़ियाँ बंद, तो पैदल पैदल पहुँचे हैं लोग बाग घर अपने। अच्छा, गाड़ियाँ नहीं थी, तो महामारी थी, इसमें क्या हो सकता है? बाकी नहीं कह सकते। अब एक बात बताइए, अगर रोड पे हम चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें क्या मोदी को कहेंगे कि मोदी की वजह से मर गए? अब मैं खुद ना आकर गाड़ी के नीचे आ जाऊँ तो मैं कहूँ मोदी ने मार दिया मुझे? तो वही तो कह रहे हैं हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे की कोरोना में इतने मर गए, वो तो महामारी थी, कोई भी मर सकता था। लॉकडाउन की बता रहा हूँ मैं, लॉकडाउन में पैसा बंदी में। तो राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? अरे इससे तो मोदी जी बने, राहुल गांधी बने, कोई भी बने, बस सरकार है। ये तो सरकार उतरती रहती है, चलती रहती है, बदलती रहती है। आप कह रहे महंगाई है, चलो आपकी बात मान लेते हैं, राहुल गांधी आ जाते हैं तो सस्ता हो जाएगा सब चीज। एक बात बताइए, जो सिलेंडर 1000 का मिल रहा है, क्या 500 में मिलने लगेगा? जो पेट्रोल 100 का होगा, क्या 50 का हो जाएगा? अरे आप सुनो, आपके मकान की कीमत 10 लाख रुपए आज के टाइम में, आप 5 लाख रुपए में बेच देंगे? क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री काम करता हूँ। ये कह रहे महंगाई हो गई इतनी? कुछ भी महंगाई नहीं हुआ है, मजदूरी तो मिल रहा है महंगा। कितना मिल रहा है मजदूरी? मैं 800 लेता हूँ, मिस्त्री हूँ। ये कह रहे मैं तो फल बेचता था, अब तो कोई फल भी नहीं खरीद रहा मेरे से, पहले बढ़िया कमाता था 10 साल पहले। एक बात बोले? दो बोलो। पहले मैं बेलदारी कर रहे थे, अभी कारीगर है। अच्छा, तो दो पैसा तो फालतू कमा रहे हैं। अच्छा, बेलदारी से तो फालतू कमा रहे हैं। उस समय बेलदारी कर रहे थे। अच्छा, अभी कारीगरी कर रहे हैं। अच्छा, काम सीख लिए? हाँ, काम सीख लिए। नीतीशवा कुमार बिहार का, और ललुआ यादव और ललुआ का बेटा तेजस्वी यादव, हाँ वो साला चोर है, रेल की पटरी खा गए, चोर है वो, चोर है। और अब मैं बता रहा हूँ आपको खिस्सा। आपका क्या चोरी किया? मेरा बिहार वाले को नागालैंड से मार के
ललुआ यादव के बेटों ने भगवा रहा था। अच्छा। हम बिहार से हैं, भागलपुर जिला है। नागालैंड से कौन भगा रहा था? मार के भगा रहा था ललुआ यादव का बेटा, उन्हें राजनीतिक उसका मुख्यमंत्री बेटे का जन्मदिन पे गया था यहाँ से बिहार से। और मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, और प्लस में ये है कि हमारे बिहार का जो सरकार मेरे बिहार का आदमी को नहीं देखा तो उसको क्या गाली नहीं देंगे तो क्या उसको फूल चढ़ाएंगे क्या? अच्छा, पलटू राम को क्या? मिस्त्री यादव तो कहते हैं कि बिहार के लोगों को हमने इतना रोजगार दिया, इतना तो कोई रोजगार दे ही नहीं पाया। अभी तो बुला लिया है, अभी तो दिल्ली बुला लिया है उसको सीएम ने, फिर ये क्या कहता है सीबीआई ने दिल्ली बुला लिया, गौर फाड़ रहा है मोदी है? मोदी ने गौर उसका फाड़ रहा है। तानाशाही चल रही है देश में, तानाशाही कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरा मोदी सरकार, योगी सरकार और बीजेपी सरकार और अच्छा चल रहा है। बिहार के होके योगी जी की तारीफ कर रहे हैं? हम इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि काम अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा लगा यूपी में? मेरे को यूपी और बिहार में, बिहार में आज दारू बंद करवा दिया नीतीश कुमार में, 12-13 साल हो गया, घरे घर रबड़ी दारू बिकता है। तो दारू तो यहाँ भी बिकता है यूपी में, घरे घर दारू बिकता है। और नीतीश को गौर में दम है तो दारू बंद करवा दे। तो भाजपा वाले उनको क्यों लेते हैं? भाजपा वालों ने नीतीश कुमार को ले लिया। इधर सुनिए ना मेरी बात, पहले सुनिए ना पहले, मैं गरीब हूँ, मुझे बिहार का सरकार मनीष का सब चाहिए और चिराग पासवान चाहिए, बिहार का सरकार। मोदी ने क्या किया गरीबों के लिए? गरीब मोदी ने बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए, उतना कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है। भाई जान कह रहे नोटबंदी कर दी तब गरीब आदमी मर गया, महंगाई कर दी गरीब आदमी मर गया, कोरोना आया लॉकडाउन हुआ गरीब आदमी। आप बात नहीं समझे, सैकड़ों साल तो कांग्रेस ने राज किया, सैकड़ों साल तो कांग्रेस ने राज किया, जब मोदी का राज आएगा नकली डुप्लीकेट ऐसे नोट 500 देने जाएंगे ना, ऐसे को देखता है फार के क्या है नहीं है। अच्छा। प्लस में मैं डायलॉग में कलाकार भी हूँ, भोजपुरी कलाकार हूँ, गीत गाता हूँ। सुनाइए कुछ, मैं किसी कलाकार का मोहताज नहीं होता हूँ और नहीं मोहताज रहूंगा। नेता पे कोई गाना सुनाइए। मैं किसी नेता पे नहीं गाना सुनाऊंगा आपको। किस पे सुनाएंगे? मैं उस नेता पे गाना सुनाऊंगा जो मेरा देश है। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया और करते चैन बसेरा, ये भारत देश है मेरा। ललुआ और नीतीशवा ये अभी बीजेपी में मिल गया फिर से। नीतीश मिले हैं, लालू नहीं मिले? ललुआ नहीं मिला है ना, नीतीशवा को भी नहीं सीट मिलेगा इस बार। हाँ मैं कह रहा हूँ सीट नहीं मिलना चाहिए उसको। मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे अगर सीट नहीं? मोदी नहीं, मनीष का सब चिराग पासवान आ रहा है, सम्राट चौधरी। अच्छा। बिहार का 3 ही इलेक्शन लड़ेगा, 3 में और 30 चौथा जो जाकर फेंका जाएगा। क्या नाम? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, क्या काम करते? मैं तो पढ़ाई कंपनी में काम करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। तो क्या कहेंगे युवाओं की बात करें, 9.5 साल मोदी को लेके क्या सोचते हैं? मोदी तो हमारा रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मोदी जी रहेंगे हमारे। राहुल गांधी का नंबर कब आएगा? राहुल गांधी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो कुछ ने करते ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे? कुछ करेंगे जनता के लिए, दिखाएंगे जनता के लिए, अपना कुछ अलग ही सोचते हैं, अपना कुछ अलग ही विचार में रहते हैं। मोदी ने दिया क्या देश को? महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी। कौन कह रहा है? कोई जान कह रहा है? बिहार में चल के देख लीजिए, बिहार में कौन से नीतीश कोई रोजगार दिया है? बिहार में किसी को रोजगार दिया है? कोई रोजगार नहीं दिया है। अगर रोजगार दे रहता तो बिहार से हम थोड़ी यहाँ आते कमाने के लिए कुछ। बात है, यूपी में रोजगार है? यूपी में रोजगार है, क्यों ना? अच्छा, यूपी में तो रोजगार भी है, सब कुछ भी है। तब अभी कह रहे थे कि हमने इतना रोजगार दे दिया कि युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इतना रोजगार आज तक बिहार में कोई नहीं दे पाया जितना रोजगार। नहीं, कोई नहीं मिला बिहार में रोजगार, कोई नहीं। अगर बिहार में रोजगार मिला होता तो मनीष कब से आज तक लड़ता क्या? वो नहीं लड़ता किसी से, जेल गया और बिहार के रोजगार के लिए नहीं जेल गया था, उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? योगी के बारे में क्या? योगी तो हमारा, जब तक ये मोदी योगी जब तक जिंदा है तब तक हमारे ही रहेंगे। अच्छा, उनके जैसे कोई पक्ष नहीं ले सकता है, कोई
आगे नहीं है उनके मोदी या योगी के आगे कोई नहीं है। राहुल गांधी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, कह रहे कि मैं लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई चीज दिखाई दे रहा है लड़ाई लड़ रहे हैं, चल रहे हैं वो कुछ नहीं दिखाई दे, गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल कहाँ चल रहे हैं। कह रहे मैं चाहता हूँ कि युवाओं को गवर्नमेंट जॉब मिले, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, इसलिए तो पैदल निकले आपके लिए। नहीं कुछ नहीं, वो सब दिखावा है।